नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। सभी दर्शकों का स्वागत, जो नए दर्शक हैं जो पुराने दर्शक हैं सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। कन्या राशि 1, 2, 3 अप्रैल, क्या कहती हैं ये तीन तारीखें, क्या ये तारीखें शुभ हैं या अशुभ हैं, अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा। हमेशा हम सोचते हैं कि कुछ नया शुरू हो, अब ऐसे ही अप्रैल शुरू होने वाला है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अप्रैल की पहली दिन से ही हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाए। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें पहले दिन से सफलता मिलनी चाहिए, तो ये भी जान लेना चाहिए कि क्या वो तारीखें आपको सफलता देंगी, ग्रहों का सहयोग आपके पक्ष में है कि नहीं है। यदि है तो सफलता है, यदि नहीं है तो असफलता है। अप्रैल माह की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार नहीं होगी आपकी राशि के लिए, धमाकेदार होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार नहीं होगी। सफलता की गूंज सुनाई देगी लेकिन थोड़ी दबी रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कमी देखने में जरूर मिलेगी। खुशखबरियां भी मिलेंगी, प्रसन्नता भी मिलेगी, निराशाएं भी मिलेंगी, सभी कुछ मिलेगा, यह मिला जुला समय रहेगा। तो आप तैयार हो जाएं दोनों प्रकार के अनुभवों को लेने के लिए इन तारीखों में, खुशियां भी लेने के लिए और थोड़े असफलताओं को लेने के लिए भी। लेकिन ये असफलताएं आपको कमजोर नहीं बनाएंगी, ये असफलताएं आपको सिखा के जाएंगी कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो यदि आपने इस असफलता को या इन परेशानियों को, जो छोटी छोटी होंगी, पॉजिटिव तरीके से लिया, तो इन तीन दिनों को तो बेहतर बनाएंगे ही, उसके अलावा जीवन में हर दिन यदि ऐसी कभी परेशानियां आपको मिल जाती हैं तो आप उनका निपटारा अतिशीघ्र कर लेंगे। ग्रहों का कुछ शुभ संयोग बन रहा है, आपकी मन की कुछ अधूरी इच्छाएं इस समय में पूरी होंगी, और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देखकर लाभ उठा सकते हैं। चंद्रमा बुध शुक्र एक साथ छठे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा बुध शुक्र एक साथ बैठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन छठा भाव जो है वह इनसे मिलने वाले शुभ परिणामों को थोड़ा कम कर देगा। यानी आप कह सकते हैं कि सफलता मिल रही है लेकिन कोई आपको पीछे खींच भी रहा है। जैसे आप स्वतंत्र होते हैं तो आप बहुत तेजी से भाग सकते हैं, यदि आपके पैरों में पत्थर बांध दिया जाए तो भी आप भागेंगे लेकिन उतनी तेजी से नहीं भागेंगे, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। शुक्र का छठे भाव में बैठना शुभ फलदायी होता है कुछ मामलों में। यदि शुक्र आपको 10 शुभ फल देंगे तो 4 अशुभ फल भी देंगे। शुक्र आपको बुद्धिमान विवेकवान बनाएंगे, शुक्र आपको डरपोक भी बनाएंगे, शत्रु से विजय प्राप्त करवाएंगे, लेकिन शत्रु से लड़ाई झगड़ा करने में बहुत ज़्यादा समय और पैसा आप व्यर्थ कर देंगे। यहाँ पर हानि है लेकिन शत्रु से जब जीत जाएंगे तो सफलता है। तो इस तरीके का कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होगी, बहुत उठेंगे बैठेंगे, लेकिन 10 मित्रों में से कोई 2 मित्र ऐसे होंगे जो सारी पार्टी का या मिलने जुलने का मजा खराब कर देंगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो उन 2 मित्रों को ढूंढिए, उन 2 शत्रुओं को ढूंढिए और उनको अपने से दूर करिए। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। महिलाओं से आपको बहुत लाभ होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा, महिलाओं से खूब अच्छी निभेगी, महिलाओं से बहुत अच्छी आपकी दोस्ती भी रहेगी, महिलाओं से आपका नौकरी या व्यापार में भी बड़ी अच्छी सलाह मिल सकती है। महिलाएं आपके कामकाजी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं या घर की हो सकती हैं या पास पड़ोस की हो सकती हैं, यह आपके लिए शुभ है। लेकिन यदि आपने इस समय में किसी महिला पे कमेंट पास कर दिया, आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पे आपने किसी पे कमेंट पास कर दिया, या किसी राह चलती महिला पर आपने कोई आपत्तिजनक शब्द बोल दिए, या कोई किसी को मैसेज कर दिया या सोशल मीडिया पे कर दिया, तो यही महिलाएं आप पे भारी पड़ जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। तो कोई गलत कमेंट्स किसी के ऊपर भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत झंझटों में फंसना पड़ सकता है और अपमानित होना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, कमाई होगी। अब खर्चे सही जगह पे किए, सही सोच समझ के किए तो अच्छा है, और गलत मित्रों के चक्कर में पड़ के इधर उधर कर दिए तो अशुभ है, जेब खाली हो जाएगी। तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, गाड़ी की स्पीड आपके हाथ में है,
कैसे चलानी है गाड़ी ये आपको देखना है। रोड पे चलाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, रोड से इधर उधर चलाएंगे तो कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो संभल कर चल अपनी गाड़ी को इस समय में चलाएं तो मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन जो है उसको भी संभालने का प्रयास करिएगा। नए के चक्कर में पुराने को मत छोड़ दीजिएगा। आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं इस समय में। कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे आपके घर वालों को आप पे गर्व होगा। बुध आपको विवेकवान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, लेकिन मेहनत खूब कराएंगे तभी आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने में सफलता देंगे। मेहनत के बिना बुध आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। बुध भी आपकी शत्रुओं पर विजय कराएंगे, लेकिन वाद विवाद को बहुत बढ़ा देंगे और पूरा दिन निकल जाएगा लड़ाई झगड़े में, टेंशन में, और अंत में शत्रु ने माफ़ी भी मांग ली तो क्या हुआ, पूरा दिन खराब हो गया, पैसा खराब हो गया। इस समय में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद दो पैसे भी आते, मान सम्मान भी आता, लेकिन इस लड़ाई झगड़े में पड़कर आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, आप हारेंगे भी नहीं, ये भी बात सत्य है। बुध आपको बुद्धि देंगे कि आप खर्चे सही तरीके से करें, धन कमाने में सहयोग प्रदान करेंगे बुध कि आप पैसा कमाएं और पैसा जोड़ें भी, लेकिन अचानक से बुद्धि भ्रष्ट भी हो सकती है। आप जोश और जुनून में इतना पागल हो सकते हैं, वासना में इतने पागल हो सकते हैं कि किसी की सुनेंगे नहीं और अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है कन्या राशि वालों को इन तारीखों में। चंद्रमा आपको मानसिक चिंता देंगे, सरदर्द और कुछ बीमारी दे सकते हैं, मनोरोग दे सकते हैं, डरपोक बना सकते हैं, बुरे विचारों से ग्रसित कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज लें तो बेहतर है, कामकाज में पैसा लगाना है तो कर्ज लें तो बेहतर है, लेकिन अपनी अय्याशियों को या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कर्ज पर ना लें, अन्यथा हानि होगी, ये कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल होगा। आज के दिन आपको जिनसे पैसा चाहिए शायद वो आपको ना दें, लेकिन जो लोग आपसे पैसा चाहते हैं तो ज़बरदस्ती वो आपसे पैसा निकलवा भी लेंगे, तो पैसों की कमी हो सकती है। आप अपने और अपने परिवार के लोगों की देखभाल अच्छी तरीके से करें, छात्रों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा, लगेगा फिर उठ जाएंगे, लगेगा फिर उठ जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। भाइयों से संबंध बिगड़ सकते हैं, सेहत का बहुत ध्यान रखें, माता जी से वाद विवाद न करें, उनका आशीर्वाद ही आज आपको बचा सकता है। अगर मैं इन तीनों ग्रहों का निचोड़ निकालूं तो यह तीनों ग्रह आपके जीवन में सामान्य सफलता देने वाले हैं। इन तीन दिनों में आप कोई भी नया प्रयोग ना करें, कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें इन तीन दिनों में, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। अपने जीवन साथी और अपने प्रेमी को मान सम्मान दें, उनके साथ किसी भी प्रकार का धोखा करने का ना सोचें। धोखा शायद आपको क्षणिक लाभ दे सकता है लेकिन अंत बहुत बुरा होगा इसका। हर शब्द को तोल मोल कर बोलें, कंट्रोल करें, कुछ भी गलत ना बोलें। बदमाश मित्रों से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें, नशे इत्यादि का कोई भी सामान प्रयोग ना करें, मांस मच्छी का प्रयोग ना करें, बुद्धि और भ्रष्ट हो जाएगी। ईश्वर में आस्था रखें और इन तीन दिनों को अच्छा बनाने के लिए आपको धैर्य, संयम और उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। अत्यधिक विश्वास किसी पर ना करें, घातक सिद्ध होगा। धन कमाएं लेकिन जो पुराना जमा धन है, संपत्ति है, उसको भी व्यर्थ में गंवाएं ना। आगे जरूर बढ़ें लेकिन पिछला बचाते हुए। तो कुछ विचित्र से जाएंगे यह तीन दिन आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए। बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ जाएगा, बहुत तिगड़म वाले समय रहेगा, बहुत ही पशुपेश में फंसे रहेंगे, क्या करें क्या ना करें। बहुत धैर्य आपको चाहिए इन तीन दिनों में। अब बात करते हैं उपाय की। तो आपको श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु जी की उपासना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, विष्णु जी की उपासना करने से विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। गणेश जी सारे विघ्न हरेंगे, विष्णु जी आपको बहुत बड़ी सफलता देंगे और लक्ष्मी जो है आपके घर में टिक के रहेंगी ताकि पैसों की कोई कमी ना रहे। और साथ ही साथ शिव जी की उपासना करना भी बहुत बढ़िया रहेगा। डेली एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जप अवश्य करें ताकि आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हों और आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़े से चैलेंजिंग दिन रहेंगे, इनको आप कैसे हैंडल करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जानकारी देना मेरा फर्ज था, मैंने दी। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसे ही चैनल को देखते रहें। हरिओम, नमस्कार।